सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से जो बीटेक कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछे हैं कि सर, सरकारी बैंक में जॉब लेने का तो हमें पता है, बैंक PO2 और IPS का एग्ज़ाम निकलते हैं, हमें देना पड़ता है। लेकिन इंडिया में आप जैसे हमें पता है बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स भी हैं, तो उन बैंक्स में जॉब हम कैसे लें आफ्टर बीटेक, तो उसी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कुछ चीज़ें पर, किसके लिए जॉब है, मतलब भाई जॉब करने से मतलब किस तरह का बंदा प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहिए, कैसे बंदे को, और इसमें ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ किस लेवल का हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट। सेकंड, सैलरी वगैरह कैसा रहता है, टाइम पे सैलरी आता है नहीं आता है। थर्ड, वर्कलोड आपको बताऊंगा मैं, ये इन जनरल लोग वर्कलोड मिस करते हैं लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये हम क्या करेंगे, 3 2 1 सॉरी 4 3 2 1, हाउ टू गेट जॉब, जॉब कैसे मिलता है, इस तरह से हम चलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, और इस सारे चारों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे होले होले, मतलब आसानी धीरे धीरे तरीके से, ताकि आपको समझ में आए राइट तरीके से कि भैया कैसे मिलेगा नौकरी सही में, ठीक है। तो बेसिकली बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं, एक इंस्टीट्यूट है त्रिज्ञा करके, इसका नाम है त्रिज्ञा, आप बोल सकते हैं स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये ISO सर्टिफाइड है, और ये कोर्सेज करवाते हैं आपका, डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं प्राइवेट बैंक में जॉब लेने के लिए। डिप्लोमा पिज डिप्लोमा बेसिकली होता है, पिज डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट, और 1 ईयर का प्रोग्राम होता है आपका, 700+ घंटे का कोर्स होता है, CP दिल्ली में इंस्टीट्यूट है राइट, ऑफलाइन आप कर सकते हो। और इसमें इनका जॉब खास बात क्या है, 100% जॉब एश्योरेंस है, एवरेज पैकेज मिलेगा आपका 3 से 5 लाख का राइट। और जो टीचर पढ़ाते हैं वो कोई नॉर्मल फैकल्टीज नहीं है, वो बेसिकली इंडस्ट्री में जो काम करते हैं या इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, वो आपके क्लासेस लेते हैं, ताकि आप जिस लेवल का वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है बैंक को, उस तरह का लेवल के आप बन जाओ आफ्टर 1 ईयर, और आपको जॉब मिल जाए। जैसे आपको बताया मैंने, SC और 100% प्लेसमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे आप कंप्लीट करते हो प्रोग्राम, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर, इक्विटी एडवाइजर, वेल्थ एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट का जॉब मिलता है आपको। फॉर मोर डिटेल्स में क्या करा है मैंने, इस जो प्रोवाइड करते हैं कोर्सेस इस इंस्टीट्यूट का, मैं जो वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन डाल दी, आप जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं राइट। सो नाउ लेट स्टार्ट द सेशन विद द वीडियो ऑनली। तो पहले जॉब लेने क्या करना पड़ेगा हम बात करते हैं, कि अगर मान लो जॉब चाहिए तो क्या करोगे आप। सो देखिए, इसमें भी बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं जॉब लेने का, अ लॉट ऑफ प्रोफाइल राइट। अगर मान लो आपको सेल का प्रोफाइल चाहिए, नॉर्मल सेल्स का प्रोफाइल चाहिए, मान लो आपको क्या चाहिए, सेल्स करना है, भैया मुझे सेलिंग करना है राइट। मान लो आपको इंश्योरेंस बेचना है, इंश्योरेंस का, क्रेडिट कार्ड का राइट, अब हंसना मत, बहुत सारे करना पड़ता है ऐसे काम। तीसरा आपका इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन का, ठीक है, ऐसे कॉल आते हैं आपके पास, आपने देखा होगा। तो दो इस तरह के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, अप्लाई करो आपको मिल जाएगा, बस अप्लाई करना पड़ेगा आपके आसपास, बिकॉज हर बैंक में इस तरह के बंदे होते हैं राइट। कस्टमर केयर हैंडलिंग का बीटेक करके वो आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, शॉर्ट टर्म कर सकते हो ठीक है। पहला, इसके लिए कोई कोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करो मिल जाएगा। सैलरी कितना मिलता है इसमें, इसमें सैलरी थोड़े कम मिलते हैं, और ये इतना टेंशन वाला काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सैलरी इतना कम मिलता ना, उतने कम टेंशन के काम होते हैं। सैलरी बढ़ाने के लिए क्या कर, ये तो नॉन मतलब नॉन टेक्निकल है, आराम से हो जाता है, बहुत से लोग करते हैं अच्छा अब लोग, सर नहीं जी मेरे को ये नहीं करना है, आप बढ़िया सा कुछ बताओ, ये क्या आप 10-20 हज़ार का तरकारी 15-10 हज़ार बता रहे हो। भैया देखो, बात करते हैं अब आपका, जो बेसिकली जिसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ता है, मतलब अच्छा खासा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं जैसे मैंने बताया आपको कोर्सेज ये इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप देखना पड़ेगा आपको राइट, जो बैंक वाले स्पॉन्सर्ड करते हैं बहुत सारे कोर्सेस, वो करना पड़ता है आपको। कोर्सेज करने के बाद क्या होता है, आपका अच्छा पोस्ट मिलता है प्राइवेट बैंक में, लाइक आपका असिस्टेंट मैनेजर का मिल जाएगा पोस्ट
राइट, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है आपको, आपको जो जो आपका बेसिकली एक तरह का बोल सकते हो बैंक में जो होता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखता है, क्लरिकल पोस्ट, टेक्निकल क्लर्क बोलूँगा मैं उसको, उस तरह का पोस्ट आपको मिल जाएगा, राइट। आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र का पोस्ट मिल सकता है, ठीक है, और इससे भी अलावा और भी होते हैं, वो पोस्ट मिल जाएंगे आपको। मेनली अगर आप एज ए एएम आप ज्वाइन करते हैं तो बाद में आप मैनेजर भी बन सकते हो बैंक के, राइट। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। तो मेनली जॉब लेने के लिए, अच्छा जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे प्राइवेट बैंक में जॉब लेने के लिए। अगर आपको नॉर्मल जॉब चाहिए तो बिना कोर्स करे अप्लाई करिए, मिल जाएगा। अच्छे जॉब के लिए आपको कोर्सेज करना पड़ेगा, पीजी डिप्लोमा। और बढ़िया जॉब चाहिए बैंक में तो क्या करिए, आप एमबीए कर लीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करिए, और आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा फिर, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस जैसे बैंक एमबीए करेंगे आप, उसमें कई ब्रांचेस होते हैं, मार्केटिंग होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है, एससीएम होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट होता है, उसके बाद आपका एचआर होता है, उसके बाद आपका फाइनेंस होता है, ठीक है, और ये बहुत सारे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता है, राइट। सो फाइनेंस से अगर करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा बैंक में नौकरी। अब बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जॉब का पता लग गया, जॉब कैसे मिलेगा आपको, राइट। बस फॉलो करना है आपको, थोड़ा तरीके से देखिए वर्कलोड कितना होता है। वर्कलोड देखो भाई, बैंक में काम करना है, वर्कलोड होगा, राइट। बट सबसे पहला फायदा क्या होता है आपका, सेफ्टी। बैंक में जो काम करते हैं उनका जो सेफ्टी लेवल है काफी शानदार है। सो इट इज मच मोर रिकमेंडेड फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज बहुत सेफ रहते हैं, बहुत ज्यादा सेफ है गर्ल्स के लिए। सबसे रिकमेंडेड मैं क्या करता हूँ आपका, बैंक का नौकरी बहुत अच्छा रहता है, टीचिंग का नौकरी काफ़ी अच्छा रहता है, राइट। ये बैंक मतलब गर्ल्स के लिए ज़बरदस्त नौकरियाँ हैं, बट बहुत मज़ा आता है, बिकॉज रात में इंजीनियर काम होता नहीं, दिन में पढ़ा के आ जाओ, रात में अपना घर संभालो या फिर एंजॉय मारो, जो भी है, ठीक है, जैसे भी आपका लाइफ चाहिए जैसे भी आपको। तो वर्कलोड रहता है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू वर्कलोड क्या, वर्कलोड हर जगह है, राइट। प्राइवेट में आप जाओगे वर्कलोड रहेगा, चाहे आईटी में जाओ, बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ, प्राइवेट में हर जगह वर्कलोड है। सरकारी में 80-90% जगह अप वर्कलोड है, 10% जगह अभी भी चल रहा है। अब वर्कलोड सरकारी में कैसे होता है आपको पता ही है, क्या बताऊं मैं, बैंक में लेकिन है वर्कलोड सरकारी में भी। अच्छा, सैलरी कितना मिलता है, देखो भाई सैलरी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कौन से बैंक में आप हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो सरकारी बैंक से ही बहुत सैलरी देते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी ले सकते हो अगर आपका स्किल काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इसमें लिमिट नहीं रहता है खास कुछ, राइट। हाँ, अगर आप कोई एक प्रोफाइल पर काम कर रहे हो तो उसका लिमिट है, राइट। बट अच्छे बैंक में काम करोगे तो बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, एवरेज में 30-40-50-60-70 तक सैलरी मिल सकता है। जैसे मेरे कुछ दोस्त अच्छे बैंक में काम करते हैं बिकॉज उनको इंटरेस्ट लगा नहीं टेक्निकल, और फिर लोग बैंक ज्वाइन कर लेते हैं 5-7-8 साल पहले, अच्छे पोस्ट पर हैं, 70,000-60,000 रुपये कमा रहे हैं, वर्कलोड बोलते हैं लेकिन पैसा है, दे आर मेकिंग मनी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ का। देखो जी, प्राइवेट बैंक में खास बात क्या है, ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, आपके स्किल के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जबरदस्त ग्रो करवा सकते हो, इट इज टोटली बेस्ड ऑन स्किल। आपका स्किल कैसा है उस स्किल के बेस पर आपका ग्रोथ होता है, राइट। प्लस आपके अंदर स्किल कितना है पहला, और आप क्या एड ऑन कर रहे हो, मतलब क्या क्या नया चीज सीख रहे हो। जैसे मैंने क्या हुआ, मैंने एक बैंक में गया था तो आप प्राइवेट बैंक बता सकते हो, और वहां पर मेरे को एक्चुअली अकाउंट खुलवाना था, तो उस बैंक में एएम बंदा बैठा हुआ था, मेरे को थोड़ा डिसेंट लगा, मैं चलो पूछता हूँ कैसे इसने इस कंपनी में जॉब, मतलब इस बैंक में जॉब लिया। तो उसने बोला, सर मैंने स्टार्ट किया था इस बैंक से बिल्कुल छोटे से, एक तरह बोल सकते हो मैं पैसा जो जमा करता है उसके साइड में बैठ के पैसा काउंट करता था, और मेरा कुछ क्लरिकल काम था, फिर धीरे 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 मैं अपना स्किल को इम्प्रूव करा, राइट, और बैंक के बिजनेस को बढ़ाया मैंने, और उसके बाद स्लोली स्लोली क्या हुआ, मेरा प्रमोशन होता गया, और 4 साल में वो क्या बन गया, एएम बन गया 4 साल में, फिर सिर्फ 4 साल में, राइट। अब बोलता है 2-4 साल और काम करूंगा तो शायद सब कुछ अगर सही रहा तो मैनेजर ही बन सकता हूं। तो ग्रोथ है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्किल गेन करते रहना पड़ेगा, एफर्ट थोड़ा डालते रहना पड़ेगा, बैंक को दिखना चाहिए कि आप, मतलब बैंक
जो चाहता है वो आप कर पा रहे हो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, आपका काफी अच्छा ग्रोथ प्राइवेट बैंक में भी है। मैं लास्ट में बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको देखना होगा कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खाली इस जगह पर सैलरी है उस जगह पर सैलरी है देखोगे तो दिक्कत आएगा, आपको देखना है कि मुझे लाइफ से चाहिए क्या, राइट। 10 साल बाद मुझे क्या चाहिए, 15 साल बाद मुझे क्या चाहिए। अगर आप अभी सोचना शुरू करोगे कि मेरे को 10 साल बाद ये चीज चाहिए, 15 साल बाद वो चीज चाहिए, तो क्या होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा दोस्त, आप सही पाथ चूज कर पाओगे, राइट। तो इतना था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।